हेलो बच्चों, आज हम हिंदी रचना में कहानी लेखन करेंगे और इसको समझेंगे कि कहानी लेखन किस प्रकार किया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये एक यहाँ पर चित्र बनाया हुआ है, तो इस चित्र के आधार पर हम एक कहानी का लेखन करते हैं। तो किस प्रकार करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर कि जो चित्र है, इस चित्र में बताए गए जो संकेत होते हैं उनके माध्यम से हम एक कहानी बनाते हैं। और कहानी यहाँ पर देखिए, कहानी कैसी होनी चाहिए, कहानी ना तो अधिक बड़ी होनी चाहिए और ना ही कहानी बहुत छोटी होनी चाहिए। और जो कहानी में हम जिस भाषा का, जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, वो कैसे होने चाहिए बच्चों, सहज, सरल और रोचक होने चाहिए, ठीक है। और जो चित्र में जो दिखाई दे रहा है उसी के आधार पर हमें कहानी का वर्णन करना होता है। तो देखिए, यहाँ पर भी मैंने एक, ये जो चित्र यहाँ पर देख रहे होंगे आप, बना है, इसके आधार पर एक कहानी बनाई है हमने। कैसे बनाई है, देखिए कि यह एक गांव का दृश्य है, ठीक है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। एक यहाँ पर एक लड़का है, इसका आप कोई भी नाम रख सकते हैं, रामू रखिए, मोहन रखिए या कुछ भी आप रख सकते हैं। वह एक गाँव में क्या, भेड़े, देखिए देख रहे हैं आपकी भेड़े चरा रहा है। और यहाँ पर कुछ, यहाँ पर आपको लोग भी दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम कहानी कैसे शुरू कर सकते हैं कि एक रामू नाम का एक लड़का था, वह क्या करता था, वह बहुत मतलब इसको किसी दूसरे व्यक्तियों को, दूसरे लोगों को झूठ बोलकर मूर्ख बनाने में बहुत मजा आता था। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि वह, देखिए, हंस रहा है और जो इतने सारे लोग दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ही क्रोधित दिखाई दे रहे हैं, गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। तो यानी कि उसने कुछ यहाँ पर ऐसी बात करी जिससे कि ये लोग गुस्सा हो रहे हैं यहाँ पे और ये हंस रहा है। तो उसने क्या कहा कि वो हमेशा मजाक बनाता था, जैसे मतलब मूर्ख बनाता था लोगों को। एक दिन जैसे वो आता है अपने भेड़े चराने जैसे, तो वहां पर वो क्या करता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि बचाओ बचाओ, शेर आ गया। तो जब उसकी आवाज सुनते हैं गांव के लोग, तो वो फटाफट से उसकी मदद के लिए आते हैं। लेकिन वो वहां पर देखते हैं कि वहां पर तो कोई शेर नहीं है, लेकिन वो लड़का, जैसे ही वो लोग उसको बचाने के लिए वहां पर उसकी मदद के लिए आते हैं, तो वो देखता है कि अरे मैं तो इनको मूर्ख बना रहा था और ये बन गए और ये हंसता है यहाँ पर। लेकिन वो इस प्रकार वो सोचता है कि मैं हर दिन ऐसा ही करूंगा। एक दिन हर दिन वो ऐसा करने के बाद क्या हुआ, एक दिन वहां हकीकत में बिल्कुल शेर आ गया, ठीक है। और शेर आ गया तो वो जोर से फिर चिल्लाने लगा। अब तो उसे पता था कि सच में ही आगे शेर है मेरे मुंह के सामने, तो वह जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, शेर आ गया। लेकिन गांव वालों ने उसकी आवाज सुनी, लेकिन क्या किया, लेकिन वह फिर उन्होंने क्या अनुमान लगाया कि वह आज भी हमें मूर्ख बना रहा है झूठ बोलकर, है ना। वो लोग वहां पर उसकी मदद के लिए नहीं आए और शेर ने उसको मार डाला। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए, अभी तो मैंने अभी आपको सुनाई ये कहानी, अब देखिए इस चित्र के माध्यम से हमने इस कहानी को किस प्रकार लिखा, तो आप भी इसी प्रकार इस कहानी को ऐसे लिखेंगे। देखिए, रामू नाम का एक लड़का था, पूर्ण विराम, ठीक है। उसे झूठ बोलकर लोगों को डराने में मजा आता था। अक्सर वह पेड़ों के पीछे छुप जाता और चिल्लाता, बचाओ बचाओ, शेर आ गया। गांव वाले भागे भागे आते, पर वहां कुछ न होता, वे लौट जाते। तो रामू बहुत हंसता कि उसने गांव वालों को मूर्ख बना दिया, किंतु एक दिन सचमुच शेर आ गया। रामू डर के मारे बहुत चिल्लाया, मुझे बचाओ, शेर आ गया। सभी ने सोचा कि यह तो हमेशा यूं ही झूठ बोला करता है, इसलिए कोई नहीं आया, शेर ने रामू को मार डाला। तो बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे ना, यहाँ पर कितने सरल शब्दों का हमने यहाँ पर प्रयोग हुआ किया है और यहाँ पर जो इसकी भाषा है वो भी बहुत रोचक है। तो इसी प्रकार आपने कहानी लेखन चित्र के माध्यम से करनी है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह जो मैंने कहानी लेखन के विषय में आपको समझाया, समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।